विजुअल ले लीजिए, जरा स्माइल दीजिए, क्या सोच में पड़ेगा। हेलो सर, वही खड़े जरा पकड़ो भाई। ठीक है, एक इधर से लो विनोद। अरे जी, मेरा नाम राम सजन मौर्य। और किस तरह ये मूवी है और कैसी कहानी है? मूवी तो किसान और बेटी के लिए है कि मैं चाहता हूँ कि फिल्म देखने के बाद कोई किसान अब आत्महत्या न करे। और दूसरा ये है कि इस फिल्म में जिसका भी पैसा लग रहा है इनिशियल अमाउंट, वो पैसा निकलने के बाद फिल्म का जो भी कमाई होगा 50% हम किसानों के लिए डोनेशन कर देंगे। देखिए, आप सबके ऊपर तो हम उंगली उठा नहीं सकते हैं, और मीडिया वाले आप लोग से कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि देश में क्या घटना घट रही है, क्या नहीं घट रही है, हमसे पहले आप लोग को खबर है। मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ, जो एक देश और एक समाज के लिए मेरी सोच है कि किसी मतलब आज भी देश में यह है कि मतलब बेटा बेटी में तो कम नहीं लोग आंकते हैं, लेकिन अगर घर के अंदर जाएंगे तो आज भी कम से कम 60% ऐसा घर है कि बेटा बेटी में लोग फ़र्क समझते हैं। और दूसरी सर ऐसी बात है कि आत्महत्या के ऊपर जो इश्यू ये दर्शाया जाएगा कि ये कम कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हमने उसमें जो भी है किसानों के लिए जो हमने सोचा है कि मतलब आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। मतलब जिस आदमी की वजह से आप परेशान हैं, जैसे आपको कोई परेशान कर रहा है फोकट का और आपकी कुछ भी गलती नहीं है, तो सामने वाला जो परेशान कर रहा है उसको शूट एंड साइड करो। आप क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन आप खुद अपनी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? पहले आप जिसके वजह से आपको एकदम से प्रॉब्लम है, जैसे समाज में आज भी 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो 50 लोगों के ऊपर अपना कम से कम प्रेशर बना कर रखते हैं, तो उसी एक को ही ख़त्म कर दो ना। अगर देश का किसान ही न रहे तो लोग ईंट और पत्थर थोड़ी न खाएँगे। आज दाल 200 रुपया किलो हो गया तो पूरे देश में तहलका मच गया, और भी तमाम चीज़ों का महंगाइयाँ बढ़ती हैं तो कोई किसी को तकलीफ। जब किसान के भाव का माल बढ़ता है तो यही देश के लोग बोलते हैं दाल 200 रुपया किलो, शराब 500 रुपया की एक बोतल में। तो कोई बोलता है कि शराब का 500 रुपया बोतल क्यों बढ़ा है? तो यही सब सोच है, मैंने उसमें दिखाया है, एक अपनी सोच है। और कई लोग तो किसानों के ऊपर फिल्में बनाए हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं बना रहे हैं जो उनका है। किसानों का मुद्दा तो समझिए आज लोग 3 महीना 4 महीना ज़्यादा उठा दिए हैं, लेकिन कम से कम साल भर हो गया। हम एक राइटर आदमी, मैं हूँ और मेरे दोस्त यूसुफभाई शेख, हम साल भर से इस प्रोजेक्ट के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसके पहले भी मूवी बनाए थे दारू के विरोध में, ये मूवी किसान। हम साल भर से एक राइटर आदमी होकर मेहनत कर रहे हैं। निर्माता बनना मेरा कोई शौक नहीं था, मैं तो एक राइटर था, लेकिन ये मजबूरी है मेरी कि मैं प्रोड्यूसर बन करके एक किसानों के मुद्दे को लेकर के हम अपनी फिल्म बना रहे हैं। मेरे पास जितना ताकत है जी जान से उसमें झोंक दिए हैं। और एक हमारे दोस्त यूसुफभाई शेख हैं, वो मेरे साथ ही रहते हैं, जितना हम दोनों अपनी औरतों के पास नहीं रहते, दोनों एक साथ रहते हैं इस मूवी को बनाने के लिए। और अभी टीम में जैसे हमने अपने पुराने दोस्त राजहंस जो डायरेक्टर हैं, मेरे 10 सालों से मित्र थे, मैं सोचा था कि कुछ अच्छा करेंगे तो उनको इस फिल्म में अपने डायरेक्टर का जो भी है काम उनको सौंपेंगे, तो राजहंस को मैंने सौंपा। और मुंशी जी भी मेरे कम से कम 7-8 वर्षों से दोस्त हैं, उनको भी मैं जिम्मेदारी कैमरामैन का सौंपा है। बगल में मेरे अकरम भाई खड़े हैं, और ये मेरे साथ तो जब से मूवी शुरू किया हूँ तब भी इसमें डोनेशन जो भी इनके तरफ से हो रहा है इसमें हेल्प कर रहे हैं। और हमारे बगल में अनुराधा जी हैं। मतलब इस फिल्म को बनाने के लिए भी इन्होंने अपना जो सिलीगुड़ी में जो नौकरी करती हैं बैंक में, इनका जो भी पेमेंट होगा वहाँ उस नौकरी को प्रेजेंट टाइम में जब हम इनको बुलाए 1-2 महीना मेरे लिए इस मूवी को लिए नुकसान करती है। तो एक्चुअली क्या है, मैं चाहता था कि मतलब ये जो भावनात्मक चीज़ से जुड़ा है उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे ढंग से प्ले कर सकता है। तो और इस प्रोजेक्ट के लिए ये भी काफ़ी मेहनत कर रही है। मतलब अभी तो हमारा काम थोड़ा सा हल्का होने लगा है क्योंकि राजहंस और मुंशी जी जुड़े हुए हैं। अब आगे हमारे डायरेक्टर साहब अकरम भाई से थोड़ा बहुत पूछ लीजिए फिल्म के लिए सर, आपका क्या सहयोग रहेगा? हाँ इधर आ जाइए। हम भी किए हैं उसमें और मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी इसकी वजह से, और इसके गाने थे बहुत आए थे यहाँ पे शुरू हुआ था तो वो सुनने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं हम भी इसमें से जुड़ गए। और ये किसान की जो सब आत्महत्याएं कर रहे हैं, मगर क्या ज़रूरत है आत्महत्या करने से? अच्छा तो कहीं पे वहाँ से हट जाओ, घर से मरने से अच्छा कहीं हट जाओ, दूसरी जगह में जाओ, थोड़ा काम करो, फिर थोड़ा दिन मर जाओगे तो एकदम खलास। जिंदे रहोगे तो थोड़ा आजू बाजू में ये तो सोचेंगे माँ बाप, मेरा बाप कहीं गया है, कभी 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 ना कभी तो आ जाएगा। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। के माध्यम से आपका रोल किस तरह का? मैं इस फिल्म में एक किसान की बेटी का रोल कर रही हूँ जो किसानों के मुद्दों को लेकर के गांव की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती है और बहुत सारी सामाजिक बुराइयाँ जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करने की भरपूर कोशिश करती है। और जो अन्याय जो करते हैं जो गाँव में होता है, लोग छोटे छोटे किसान आत्महत्या करते हैं, उनको समझाती है कि आप आत्महत्या मत करो क्योंकि आत्महत्या करने से सिर्फ उनके फैमिली में मतलब करती है और सबको प्रेरित करती है कि जीने के लिए इंसान को कुछ मतलब और मेहनत करना चाहिए, सबको एक दूसरे के लिए मतलब एक मिसाल बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कमज़ोर हो जाएं, कमज़ोर होकर आत्महत्या कर लें, ये सब। तो ये मूवी के लिए किस तरह आपने तैयारी की है रोल के लिए? मैंने इस मूवी के लिए बहुत मेहनत किया है और मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है इस मूवी के लिए, और इसके लिए मेरे ट्रेनर मेरे गुरुजी श्री अशरफ अली, जिनको हम प्यार से सलमान खान बोलते हैं, उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत किया है। तो वेट लूज़ करना बहुत आसान नहीं था, मैंने काफ़ी 3 घंटे डेली वर्कआउट करके वेट लूज़ किया क्योंकि मूवी के हिसाब से मैं काफ़ी फैटी दिखती थी। आपका एक किसान की बेटी के अंदर किस तरह किरदार है? सर मैं सिक्योरिटी का रोल कर रही हूँ। जो भूमिया सिक्योरिटी की बात करते हैं तो रियल लाइफ के अंदर और सिक्योरिटी के अर्थ का काफ़ी मेन किरदार रहता है, कोई भी कुछ घटना होती क्या है तो उसके ऊपर दर्शाया जाता है। तो आपने किस तरह तैयारी की थी? आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसे रियल में होता है इसे बोल दीजिए। राज सर एक किसान की बेटी तो कैमरा लुक तो किस तरह कहाँ लोकेशन होने वाला है और किस तरह? ये लोकेशन हम लोग गोरखपुर रखे हैं क्योंकि किसान के लिए जो लोकेशन चाहिए थी मुझे वो हमको गोरखपुर में प्रॉपर वो लोकेशन मिला और ये सब्जेक्ट जो है किसान आत्महत्या बेस्ड सब्जेक्ट जो है किसान आत्महत्या बेस्ड सब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ इस सब फिल्म को दिखा करके कोई किसान अब आत्महत्या ना करे। मेरा पूरा मोटो यही है कि ये फिल्म मतलब किसानों के किसानों के बेस पे है और पूरी फिल्म जो है किसान आत्महत्या ना करे। और दूसरी बात यह है कि आज इतनी सारी घटना हो रही है महाराष्ट्र में और इंडिया के अंदर, तो किस तरह ये रुकेगी? मतलब माध्यम क्या रहेगा कि आगे ना बढ़े? देखिए इसके लिए यही इसीलिए मेरी फिल्म यही कहती है कि किसान जो है आत्महत्या ना करे क्योंकि अब किसान के लिए भी बहुत चीज सोची जा रही है इस फिल्म में। हम अपनी कहानी के माध्यम से बता रहे हैं लोगों को कि आत्महत्या करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको अपने आप को समझना क्योंकि आप अन्नदाता हो। किसान जब किसान ही अन्न उपजाना बंद कर दे या वो आत्महत्या कर ले तो फिर अनाज कौन देगा? सब भूखे मर जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मेन इसीलिए ये सब्जेक्ट है किसान बेस। और टाइटल किसान की बेटी क्यों, बेटा क्यों नहीं? हाँ सर बेटा इसलिए नहीं क्योंकि वो पौधा जो है जो गाछ है वो उसका बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है। ये अनाज जो है कोई भी अनाज उससे उम्मीद करता है, किसान उम्मीद करता है किसी भी पौधे से। अगर वो धान लगाए या गेहूं लगाए, कोई भी चीज़ पौधा लगाता है उससे उम्मीद करता है, जैसे बेटा बेटी से उम्मीद करता है उसी तरह किसान अपने पौधे से उम्मीद करता है। इसीलिए बेटा कहिए या बेटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि और आज समाज में जो है बेटियों को ये देखी जा रही है, हिंद दृष्टि से देखी जा रही है, इसीलिए ये माध्यम से हम किसान की बेटी सब्जेक्ट का नाम रखें। ओके, एक मिनट। हमारे सामने ब्लैक शर्ट में है, इनका नाम है अतीश सिंह, ये भी लीड में हैं, और बगल में हरी त्रिपाठी जी हैं, और ये मनोज गुप्ता हैं, दिलीप साहनी हैं। सब अपने साथ मेहनत कर ही रहे हैं और इनका उसमें बहुत अच्छे अच्छे रोल भी हैं। सर कैमरा की तरफ देखो, उसमें अच्छे रोल हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे अपना देश संपन्न होते गया और कई अच्छी अच्छी जगहें जो है खेतियों की जो थी उसके ऊपर जो आज बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई। अब सबको तो बढ़िया 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 मकान में रहना है और सबको आजकल हमारे फिल्मों में सबसे ज़्यादा सीरियल से लेकर फिल्मों तक सबसे ज़्यादा शहर का भाव दिखाया जाता है। लेकिन आज आप लोग जानते होंगे कि शहर में कितने लोग ऐसे रहते हैं कि जो फिल्मों में और मतलब सीरियल में दिखाए जाते हैं हाई फाई में। तो गांव के लोग, गांव के जो लोग किसान लोग हैं और गांव के जो पलियान शहरों की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ जो है तो कुत्ते बिल्ली की तरह 80% लोग जीते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह जीते हैं। मतलब इतना भीड़ भाड़ है। अगर गांव का समस्या और गांव का प्रॉब्लम और तमाम चीज़ अगर दिखाया नहीं जाएगा तो पूरे लोग शहर में ही आ जाएंगे, तो खेती बाड़ी कौन करेगा। तो इस फिल्म में वो तमाम मुद्दे हैं कि मतलब गांव से पलायन कम करें, गांव में ही मतलब रहकर एक अलग ढंग से सोसाइटी पैदा किया जा सकता है। क्योंकि पहले हमारा देश जो था कृषि प्रधान देश था, अब प्रधानों का प्रधान हो गया है। मेरे देश का सारा प्रधान ही बेईमान हो गया है, ऐसा न बताओ। 30-30 लाख रुपया प्रधानी वोट में खर्चा करते हैं, तो ये प्रधान की वजह से भी तमाम किसानों लिए आता है। तो किसान आत्महत्या करे, इसका मतलब किसान कमज़ोर हो चुका है। और किसान जो उनकी गरीबी तो कमज़ोर करती है, वो अंदर से ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। इसलिए इस फिल्म दिखा रहे हैं कि तुम अंदर से कमज़ोर मत बनो, क्योंकि मुसीबत सबके ऊपर आती है। और जिस औरत का मर्द नहीं होता है उस औरत को कितना तकलीफ होती है।